हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ चैप्टर। हमारे पास है सेवन्थ चैप्टर। सेवन्थ का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज हम। चैप्टर सेवन्थ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। देखो, द कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द ओरिजन। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास ये होते हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर इंटरसेक्ट ईच अदर एट द ओरिजन, किस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओरिजन पर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजन आर, जो ओरिजन है हमारे पास, ओरिजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0, यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, जो हमारे पास ये है y एक्सिस, यहाँ से जो डिस्टेंस है, इज का डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट के डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस से, ये हमारे पास y एक्सिस है, इससे एक पॉइंट के डिस्टेंस है, इससे एक पॉइंट के डिस्टेंस इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट। उसको हम क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम हमारे पास क्या है? एब्सिसा। इसी तरह द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट के डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस से एक पॉइंट हमारे पास एक डिस्टेंस है, इससे y कोऑर्डिनेट, उसको हम क्या बोल देंगे? y कोऑर्डिनेट होगा और वो हमारे पास, उसका नाम क्या होगा? ऑर्डिनेट। और जब हमारे पास एब्सिसा और कोऑर्डिनेट दोनों को हम मिला देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों को अगर बना दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए और बी आर नॉट 0 इज ए स्ट्रेट लाइन। जब भी हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, मीन्स हमारे पास वेरिएबल 2 है लेकिन दोनों में हमारे पास सिमिलर क्या दे रखी है कि दोनों 1 1 डिग्री के हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस -6 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास जो लाइन है ये किसकी है? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, इज स्ट्रेट लाइन क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास एक ग्राफ है किसके लिए? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। वाई की वैल्यू है किसके अंदर? फंक्शन x के अंदर है और जिसमें ये नॉट इक्वल टू 0। अब हमारे पास स्केयर में आ गई, जब हमारे पास स्केयर में आ जाती है तो हमारे पास पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं या फिर इसे पैराबोला, जो कि एक पैराबोला की इक्वेशन में आएगी। इसके बारे में ज़्यादा अभी आपकी 10th क्लास में डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका आगे आएगा। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको ए और बी, उनके बीच की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, जैसे हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स है, हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक एक्सिस है, इसमें देखो दो पॉइंट दे दिए, मान लिए यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट आ गया x1 y1, दूसरा हमारे पास मान लिए यहाँ पॉइंट दे रखा है या इधर दे रखा है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो पॉइंट हमारे पास क्या है? x2 y2। इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? देखो, ए बी, ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो जाएगा। ए बी के डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो क्या आएगा? x2 - x1² प्लस y2 - y1² x2 - x1² प्लस y2 - y1 का स्केयर, और पूरे का क्या लगा देंगे? स्केयर रूट। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। उसके बाद है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजन ओ इज, हमारे पास एक डिस्टेंस दे रखी है पी की, देखो ये हमारे पास आ जाएगा पी, हमारे पास कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, वो हमारे पास क्या है? ओरिजन 0 0। और मान लिया कोई भी पॉइंट पी दे रखा है, ये आपके पास है एक पॉइंट पी जिसमें क्या है? एक्स और वाई। ओ से पी की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हमारे पास फॉर्मूला वही है, x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर। तो ऐसे सॉल्व कर देंगे, x2 हमारे पास क्या है? x - 0 का स्केयर प्लस y - 0 का स्केयर। इसको हम अगर फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x - 0 स्केयर प्लस y - 0 का स्केयर। अब 0 है, x - 0 क्या आएगा? x आएगा, तो इसको क्या लिख देंगे? एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ओरिजिन से जब भी हमारे पास डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या करते हैं? एज इट इज डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर रूट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड बी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू इंटरनली इन द रेशो m1 रेशो m2।
हमें क्या दे रखा है कि कोई भी दो कोऑर्डिनेट दे रखे ऑफ द पॉइंट, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, एक्स वन और वाई वन, दो हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और दोनों कोऑर्डिनेट्स को ये बोल रखा है कि इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, कि एक दूसरे को कट कर रहे, कहीं ना इंटरसेक्ट आपको दे रखा, डिवाइड कर रखा है, सेगमेंट है वो डिवाइड कर रखा है, तो डिवाइड कर रखा है तो इट मीन्स उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, दो पार्ट हैं तो दो पार्ट हैं तो किसी ना किसी रेशियो में कन्वर्ट हो रखे हैं, कि फर्स्ट के और सेकंड दोनों के दोनों किस रेशियो में। अब हमें क्या निकालना है कि उनकी जो रेशियो है, अगर हमें रेशियो दे रखी है कि वो दोनों एम वन रेशियो एम टू में डिवाइड हो रखे हैं, तो हमें ये बताना है कि उसके जो पॉइंट्स हैं वो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो जैसे हमारे पास ये दे रखा है, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है, दो पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पास, ये ए हमारे पास मान लिया 2, 3 है, और बी हमारे पास पॉइंट ले लिया 5, 6 ले लिया, और हमारे पास ये बोल दिया एक्स वाई, पी हमारे पास एक पॉइंट है एक्स और वाई जो इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लिया आपको 2:5 बोल दिया कि 2:5 में ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालो इस रेशियो में कि ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये रेशियो के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास एम वन होता है, ये हो गया एम टू, ये हमारे पास एक्स वन है, ये हमारे पास वाई वन, और ये एक्स टू, और ये हमारे पास हो जाएगा वाई टू। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, इससे तो हम क्या निकाल लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या आ जाएगा, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू आ जाएगा। अब इसके लिए अप्लाई करके देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एम वन, एम वन की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई एक्स टू, एक्स टू की वैल्यू 5 प्लस एम टू, एम टू की वैल्यू क्या है 5 मल्टीप्लाई एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू कितना आएगा 2 प्लस 5, 5 टू जा 10 प्लस 2 5 जा 10 बाई 5 और 2 7, 10 प्लस 10 20 तो क्या आ जाएगा 20 बाई 7 आ गया। y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, फिर y इज इक्वल टू एम वन की वैल्यू हमारे पास 2 है, y 2 की वैल्यू हमारे पास 6 प्लस एम टू की वैल्यू हमारे पास 5 है, मल्टीप्लाई वाई वन की वैल्यू 3 अपॉन 5 प्लस 2 प्लस 5 आ जाएगा। वाई इज इक्वल टू 6 टू जा 12 और 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 7, 12 प्लस 15 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 27 बाई 7, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 20 बाई 7 और इसकी आई 27 बाई 7, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये कोऑर्डिनेट आ गई जो इसको रेशियो में डिवाइड करते हैं। यही तो इसीलिए ये आपके पास फॉर्मूला है कि इसको रेशियो के निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स m1 x2 प्लस m2 x1 by m1 प्लस m2 और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 by m1 प्लस m2 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, आपको कोई भी दो पॉइंट्स दे रखे हैं उनका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट जब हमें निकालना होता है, आपके पास ये लाइन दे रखी है, ये हमारे पास एक्स वन वाई वन पॉइंट है और ये हमारे पास है एक्स टू वाई टू, अगर हमें इन दोनों का मिड निकालना है तो मिड कैसे निकालते हैं, दोनों का सम एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू आ जाएगा इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और वाई वन प्लस वाई टू बाई टू ये आ जाएगा इसका सेकंड कोऑर्डिनेट। जब हमारे पास मिड निकालना है तो फर्स्ट का फर्स्ट दोनों का सम कर देंगे, एक्स वाले का एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा उनका मिड। और अगर हमें सेंट्रोइड निकालना है किसी भी ट्रायंगल का, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना है, सेंट्रोइड होता है हमारा तीनों का मिड, तीनों का अगर हमें सेंट्रोइड कोई भी अगर हमें दो पॉइंट्स है दो पॉइंट का बीच निकाल लेंगे तो हमें क्या होता है मिड पॉइंट होता है, और तीन का निकालते हैं तो देता है सेंट्रोइड। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसका सेंट्रोइड आ गया मान लिया ये आपके पास है ए बी सी, तो ये अगर हमें पॉइंट निकालना है इसके लिए हम कैसे निकालेंगे एक्स वन वाई वन, ये हमारे पास है एक्स टू वाई टू, और ये थर्ड आ जाएगा एक्स थ्री
वाई थ्री। अगर हम इस सेंटर निकालना है, तीनों का मिड होना चाहिए, इधर से भी सेम डिस्टेंस, इधर से भी और इधर से भी, तीनों के डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो उसको हम निकालने के लिए, इसका जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई थ्री कर देंगे। इसके सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करना होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो जब हम तीन पॉइंट का निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सेंट्रोइड होता है, और जब हम दो पॉइंट से निकालते हैं तो मिड पॉइंट होता है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग द वर्टिसेस। आपको वर्टिसेस दे रखे हैं और क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपके पास फॉर्मूला है, हमारे पास कोई भी पॉइंट दे रखे हैं, ए एक्स वन वाई वन, बी हमारे पास आया x2 y2, और सी हमारे पास कोई पॉइंट है x3 y3। अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1 बाय 2, कैसे लिखेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x1 आ गया, अब x2 आएगा, और x2 के बाद क्या आता है, y3 माइनस y1 प्लस x2 के बाद x3 आएगा, फिर आएगा y1 माइनस y2, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको याद रखने का क्या है पैटर्न हमारे पास है, 1 2 3, उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर 2 से स्टार्ट कर दिया 2 3 1, और फिर 3 से स्टार्ट कर दिया तो 3 1 2, ये हमारे पास आ जाएगा। या फिर ऐसे याद करो, 1 2 3 और 2 3 1 और 3 1 2, ऐसे याद करो, चॉइस है आपकी। ये है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अगर आपको ये बोल दिया कि पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस पॉइंट्स मस्ट बी ज़ीरो। तो हमारे पास क्या होगा, उनका एरिया होगा ज़ीरो। क्यों, क्योंकि पॉइंट्स कॉलिनियर कब होते हैं, जब दोनों के दोनों पॉइंट्स किसी एक लाइन में लाई करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि पॉइंट्स आर ए कॉलिनियर। ठीक है, अगर पॉइंट्स हमारे पास कॉलिनियर है, मान लिया कॉलिनियर है, तो इट मीन्स जो सभी के सभी पॉइंट एक लाइन में है, और अगर लाइन में हमारे पास लाई करते हैं तो एरिया निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि एरिया के लिए तो हमें ऐसे ज़रूरत पड़ती है, ऐसे है या फिर ऐसे, कोई भी हमें ऐसे शेप की ज़रूरत होती है, और वो हमारे पास है नहीं। हमारे पास तो क्या एक सीधी लाइन है, और इस लाइन का अगर हमें ये बोल दिए तीन पॉइंट दे के कि इसका एरिया निकाल, तो इसका एरिया हम फाइंड नहीं कर सकते, तो इसका एरिया हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो। फॉर्मूला वही लगाना है, सिर्फ 1/2 को उधर लेके गए तो जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये लिख दिया, एक्स वन ब्रैकेट वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू। ये था हमारा चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक यू।